हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे भी शायद जुड़े होंगे, आशा करता हूँ। और दोस्तों, जैसे कि जानते हो आप लोग, मैंने कुछ ही दिन पहले पल्सर RS का इंजन खोला था, जो कि ये है। सारा पार्ट्स हमने धो के रखा है बढ़िया से वॉश करके, और देख सकते हो चेम्बर वगैरह, हेड जो है, मेन चेम्बर जो है, सिलेंडर है, ठीक है, मेन चेम्बर का मतलब सारा पार्ट्स है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या कर रहे हैं आज इस वीडियो में, हम बात करने वाले हैं जो इंजन होता है उसका को असेंबल करना है, किस तरीके से प्रॉपर तरीके से किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि ये देख सकते हो सिलेंडर है, सिलेंडर हमने बोर करवाया, ना कि चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। और जो क्रैंक है, क्रैंक हम कंप्लीट पूरा चेंज कर रहे हैं। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरा जो क्रैंक है, जेन्युइन क्रैंक है ये, हम क्रैंक कंप्लीट चेंज करने वाले हैं। और इसमें क्रैंक रिपेयर नहीं होता, ठीक है, किसी भी खरीद वाले नहीं कर पाएगा, वैसे होता भी नहीं, अगर कर भी देगा तो चलता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, पिस्टन चेंज कर रहे हैं, क्रैंक चेंज कर रहे हैं, और क्लच प्लेट जो है वो हम रहने देंगे, क्लच प्लेट भी खराब है, क्योंकि पार्टी को ज़्यादा खर्चा करना नहीं है। हमने सोचा था चेंज कर देंगे, पर इसका क्लच प्लेट का भी रेट काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, 2000 रुपये के करीब क्लच प्लेट का इसका रेट है। और क्लच प्लेट वो बाहर से भी कस्टमर कर सकता है। और देख सकते हो ये जो ऑयल पम्प का किट है, जो रेडिएटर ऑयल खींचता है, उसका भी ऑयल सेल हमने चेंज कर दे रहा है, क्योंकि ये चेंज करना ज़रूरी होता है। और ये क्रैंक का एक साइड का जो बैरिंग होता है, एक साइड का आता है और एक साइड का नहीं आता, ठीक है। तो चलिए फाइनली हम क्या करते हैं, फिट करना देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो में फ्रेंड्स बने रहिए, काफ़ी कुछ नॉलेज देने को मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। तो गाइस, हम क्या करेंगे, जो ये ऑयल सेल है, ऑयल सेल बिठाएंगे, जो कि पुराना ऑयल सेल हमने उतार दिया। और ये जो क्रैंक है, क्रैंक के एक साइड का बैरिंग हमने बिठा दिया, ठीक है, जो कि एक साइड का लगा हुआ था, एक साइड का हमने अभी अभी बिठाया और काफ़ी अच्छी तरीके से बैठ गया। और हमने जो बिठाया, ये जो है ना फ्रेंड्स, ये जो कूलर है ऑयल सेल का, इससे हमने बिठाया और ये काफ़ी प्रॉपर तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो और फ्रेंड्स, इसमें ये जो बुश है, देख सकते हो ये बुश इसमें आने वाला है, जो कि प्रॉपर तरीके से मतलब बिल्कुल सेम आ चुका है, ठीक है। चलिए इसको रख देते हैं और हम क्या करते हैं, क्रैंक बिठा देते हैं कम फाइनली। और ये जो है, ये क्लच साइड है, जो कि देख सकते हो ये क्लच साइड है, और ये बिल्कुल धीरे रखना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए क्या करते हैं, इसको जो क्रैंक है, क्रैंक को बिठाने से पहले हम क्या करेंगे, जो ऑयल है, ऑयल सप्लाई जो होता है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, एक बार देख लेंगे। तो देखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम ऑयल देंगे, बिल्कुल नया ऑयल देंगे, फ्रेश ऑयल, ठीक है। ये खराब भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम ऑयल डाल रहे हैं, और जैसे कि देख सकते हो बबल सा आएगा, ठीक है, और ये डालते ही ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से जो ऑयल का सप्लाई है वो काफ़ी बढ़िया से ही हो रहा है, ठीक है, जो देख सकते हो बबल सा आ रहा है और ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो मतलब ये चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए क्या करते हैं, जो क्रैंक है, क्रैंक को हम बिठा लेते हैं, देखते हैं आराम से बैठता है कि काफ़ी जाम जाता है, क्योंकि ये चेम्बर जो था काफ़ी जाम ही निकला था। चलिए ऑयल कर दिया हमने, और इस तरीके से बिल्कुल आराम से बिठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देख सकते हो काफ़ी बढ़िया से जा रहा है और थोड़ा सा फ्रेंड्स जाम जा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ हम इंजन ऑयल दे के, ये देखे काफ़ी आसानी से डाल दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। कोई भी अगर बोल दे वीडियो में कि जो क्रैंक है काफ़ी आसानी से जाएगा, ठोकना फोकना नहीं पड़ेगा, नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। इसको थोड़ा बहुत चोट मारना पड़ता है और काफ़ी आराम से देख के काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्रैंक जो है, बैरिंग जो है, काफ़ी जाम है फ्रेंड्स, ठीक है, काफ़ी जाम है, ऐसा नहीं कि आसानी से चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए और बिठाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं फाइनली कब तक बैठता है। थोड़ा सा जाम जा रहा है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा सावधानी से काम करना चाहिए। चलिए इसको मैं बिठा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो चल गया पूरा, और बाकी देख ले तो उधर से और जाएगा कि नहीं। जैसे कि देख रहा हूँ ये भी आधा आधा ही हो गया, और देखिए फ्रेंड्स इधर से देख सकते हो, और थोड़ा सा शायद और थोड़ा सा चोट मार के देखते हैं और जाता है कि नहीं। वैसे तो यहाँ पर बराबर हो गया, जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि ये देखिए फ्रेंड्स बराबर आ गया। तो चलिए और देखते हैं कितना आता है, और हमने गोद में रख के मार रहे हैं, ठीक है। अगर इस पर मारेंगे तो सरफेस काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए आप क्या करते हैं, जो क्रैंक है अपना बैठ चुका है, और हम क्या लगाएंगे, ये जो वाटर पंप का जो ऑयल सील है ये हम बिठाएंगे। और फ्रेंड्स देख सकते हो ये ऑयल सील दोनों आया हुआ है, और एक जो पम्प जैसा होता है
ये आया हुआ, ठीक है। और इसका एम आर पी देख सकते हो 297 मतलब 300 करीब आसपास है, ठीक है। चलिए इसको देखते किस तरीके से लगता है, और देखिए फ्रेंड्स काफ़ी आराम से ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो है बिल्कुल सेम सेम है, दोनों एक ही साइज आता है, ठीक है, दोनों एक ही साइज है, कुछ इस तरीके से बैठेगा, जो कि दिखा दूँ मैं, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, ठीक है, मतलब आपस में इस तरीके से मिल जाएगा। चलिए इसको मैं बिठा लेता हूँ, एक जो अंदर अंदर वाला पोजिशन है वो अंदर की साइड होगा इस तरीके से, ठीक है, और जो बाहर वाला है बाहर की तरफ से होगा इस तरीके से, ठीक है, मतलब इस तरीके से होगा। चलिए इसको मैं बिठा देता हूँ बिल्कुल आराम से, लगा के फिर बिठाएंगे। चलिए इसको मैं बिठा देता हूँ, कुछ इस तरीके से बैठ जाएगा। ये बैठ चुका है, ठीक है। आप क्या करेंगे, घुमा लेंगे, घुमा के इस साइड वाला बिठा देते हैं। चलिए बिल्कुल आराम से इसको बिठा देते हैं, और यहाँ पर एक लॉक भी होता है जो कि मैं वो दिखाने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा अंदर की साइड ढकलना होगा, जो कि लॉक जो है वो बाहर आ जाए प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल आराम से, क्योंकि जो ऑयल सील का वायरिंग है था वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है, जैसे कि लग गया, और थोड़ा सा इस साइड में, ठीक है, उस साइड में थोड़ा सा दबाना होगा। चलिए तो ये जो देख सकते हो ये है लॉक, एक काला सा निशान पड़ गया इस पर, जो कि देख सकते हो, और एक तरह से ये है। चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ, ये आराम से आ गया, ठीक है, एक बार मैं घुमा के देख लेता हूँ, जब भी लॉक को लगाना होगा घुमा के देख लेना चाहिए, जो कि ये ऊपर तरीके से है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि आप क्या कर लेते हैं, जो वॉल सेल है उसको तो हमने लॉक कर दिया काफ़ी बढ़िया से, जो बैलेंसर है ना फ्रेंड्स, ये होता है बैलेंसर, ठीक है, बैलेंसर को मैं थोड़ा सा बढ़िया से ऑयलिंग कर देता हूँ, जो कि ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, सूखा हुआ है, ठीक है। और ये बैलेंसर की भी काफ़ी काम का है, बैलेंसर का भी काफ़ी काम है फ्रेंड्स। चलिए इसको देख लेते हैं किस तरीके से बिठाना होता है, इसका काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग होता है, इसको हमने ऑयल कर दिया, ठीक है, बिल्कुल आराम से इसको बिठा देंगे, बिल्कुल आराम से घुमा घुमा के, ठीक है, इसको काफ़ी आराम से हम घुमा घुमा के बिठाएंगे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, बस अपना बैरिंग आएगा यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल आराम से इसको ऑयलिंग कर दिया, चाहे तो बढ़िया से ग्रीस वगैरह करके बिल्कुल आराम से घुमा के इसको अब डाल सकते हो, जो कि ये डाल चुका है, अब इसको आराम से इसको ठोकना है, ठीक है। चलिए इसको मैं डाल लेता हूँ, कितना आराम से आ गया फ्रेंड्स, ठोकना वोकना कुछ नहीं पड़ा, तो आराम से आ चुका है, ठीक है, देख सकते हो। और ये भी साथ में घूमेगा तभी ये आपस में नहीं टकराएगा, ठीक है, इसी का बैलेंसर होता है, ठीक है, इसी तरीके से आपस में मतलब नहीं टकराएगा। चलिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक पत्तियों के लॉक होता है, ठीक है, उसको मैं कर लेता हूँ, जो कि ये है फ्रेंड्स, ये है, चलिए इसको मैं लॉक कर लेता हूँ, इसको अगर लॉक टाइट से लॉक करोगे तो काफ़ी बढ़िया है, वो सब हम मतलब नहीं लाए, मतलब मिलता भी नहीं है जल्दी से, तो हम इसी से टाइट कर रहे हैं। चलिए काफ़ी बढ़िया से इसको टाइट करना होगा, टाइट कर लेते हैं बिल्कुल आराम से। तो फ्रेंड्स हमने बैलेंसर को लगा दिया है, काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट कर दिया, अब क्या करना है हमको, जो गियर बॉक्स है उसको फिट करना है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं गियर बॉक्स किस तरीके से फिट होता है, क्योंकि मेन चैम्बर में इसका काफ़ी कुछ होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि मैं आगे चल के और भी मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से होना है। ये जो है फ्रेंड्स दोनों देख सकते हो बुश, और ये दो तरह की है, ठीक है, मतलब देखने में तो सेम है बिल्कुल, ये थोड़ा सा अलग है, मतलब इसके अंदर में और इसके अंदर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो स्प्रिंग है फ्रेंड्स, ये जो स्प्रिंग है फ्रेंड्स, इसके अंदर में आएगा, एक इधर और एक इधर, दोनों के साइड में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर में अगर डालना चाहोगे तो डालेगा नहीं,
इसके अंदर में होना चाहिए। और ये किस तरीके से होना, एक सर ये जो साइड है मतलब इस पोजिशन में आएगा, ठीक है, इस साइड को आएगा। चलिए मैं डाल के दिखा देता हूँ किस तरीके से डालना होता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो कि देख सकते हो ये है गियर बॉक्स का पिनियन, ठीक है। अगर आपने 180 220 पल्सर का काम किया हो तो इसका भी कर सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब देखने में थोड़ा सा घबराहट सी आ जाता है पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली कर सकते हो। ये देख सकते हो जैसे कि ये अंदर वाला पोजिशन में एक वाटसल होगा और नीचे वाला पोजिशन में एक वाटसल होगा, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, क्योंकि ये आउटपुट सेफ्ट है और ये इनपुट सेफ्ट है। और ये हमारा जो है क्लच चेंबर है, ठीक है, मेन चेंबर नहीं, मतलब मैग्नेट चेंबर नहीं है, क्लच चेंबर है। और हम जब भी खोलते हैं क्लच चेंबर उठाते हैं मैग्नेट चेंबर में बिठाते हैं, पर ये इसमें ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आपको क्लच चेंबर में फिट करना होता है। चलिए फिट कर लेते हैं बिल्कुल आराम से, ये आ जाएगा इस तरीके से। थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह कर लेता हूँ और जैसे कि देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए। आप चाहे तो आप एक बार क्लिक कर सकते हो, फोटो क्लिक करके देख सकते हो। चलिए बिठा देता हूँ इसको मैं, चलिए बिल्कुल आराम से इसको बिठा देते हैं। जैसे कि बैठ चुका है, जैसे कि देख सकते हो, मैं थोड़ा सा हाथ में हाथ से उठा के थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना इजीली घूमेगा, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ इसको बिठा देता हूँ। बिठाने के बाद जो कि मैं थोड़ा सा उठा के रखता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स इजीली घूमेगा। चलिए मैं सिलेक्टर को लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ किस तरीके से मतलब इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इधर भी देख सकते हो निकल चुका है अपना। चलिए फ्रेंड्स मैं गियर सिलेक्टर को लगा लेता हूँ। तो गियर सिलेक्टर जो है ये हम खोल लेते हैं, जो न्यूट्रल का स्विच है और इसमें एक स्प्रिंग भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर में जो स्प्रिंग है काफ़ी छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा स्प्रिंग है, इसको काफ़ी ध्यान से संभाल के रखना चाहिए। तो जो कि मैं इसको निकाल लिया, चलिए क्या करते हैं इसको भी ऑयलिंग करते हैं काफ़ी बढ़िया से। तो ये जो है इसको हमको नीचे की साइड करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्लच साइड में आएगा, ये मैग्नेटिक साइड में आएगा, जो कि ये बैठ चुका है, इजीली ये बैठ चुका है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे इधर में बिठाना जाएंगे तो बैठेगा नहीं, ठीक है, ये पतला है। चलिए ये बैठ चुका है, तो हम इसको बाद में बिठाएंगे, पहले गियर सिलेक्टर को लगा लेते हैं। तो फिर देख सकते हो ये जो गियर सिलेक्टर है JJ और ये अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो है ये ऊपर की साइड आएगा जो कि इस तरीके से। तो मैं नीचे वाला पहले डाल लेता हूँ, ठीक है, ऑयल में भिगो के थोड़ा सा मैं डाल लेता हूँ बिल्कुल आराम से। ये देख सकते हो डाल चुका है, ठीक है, थोड़ा सा हम घुमा देंगे और ये भी ऑयल में डाल के थोड़ा सा मैं डाल लेता हूँ, ठीक है, ये डाल चुका है, ठीक है। दोनों को हमने साइड कर दिया। अब ये जो है इसका भी ईजी है, ठीक है, इसका भी कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं, ये भी ईजी है, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से डालेंगे तभी गियर ड्रम में आएगा, अगर हम इस तरीके से डालेंगे तो गियर ड्रम में ये नहीं सेट होगा, ठीक है, जो कि ये मतलब कॉमन सी बात है, ठीक है, ये जो है गियर ड्रम में फिट होता है। चलिए इसको मैं फिट कर लेता हूँ, इधर में एक ही साइड होगा, ठीक है, जो कि अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स गियर ड्रम को बिठा देता हूँ। चलिए गियर ड्रम को मैं एक बार आराम से बिठा देता हूँ, ये गियर ड्रम अपना बैठ चुका है, ठीक है। और ये जो है बोल्ट वो हमने खोला भी नहीं था, चलिए इसको मैं बिठा देता हूँ बिल्कुल आराम से। ये इधर में अच्छा दिखा देता हूँ, चलिए मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा उठा के ये ड्रम का बीच में आएगा, चलिए इधर में आ गया, बीच में आ गया, ठीक है। ये वाला जो है ये जो है पतला वाला जो मैं बताया था इसको मैं डाल लेता हूँ थोड़ा सा ऑयलिंग करके, ठीक है, बिल्कुल आराम से ये आ जाएगा। चलिए कोई उल्टा सीधा नहीं है, ये आ गया। अब जो है फ्रेंड्स
तो ये है इसका थोड़ा सा झमेला, झमेला मतलब कुछ नहीं बस जानना चाहिए। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हमने क्या किया ग्रीस डाला यहाँ पर, ठीक है अब क्या करेंगे डाल देंगे इसको। चलिए थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेते हैं इसमें भी, अब डाल देंगे। चलिए पहले क्या करते हैं इसमें गियर ड्रम में बिठा देते हैं इसको, पहले नीचे वाला बिठाएंगे हम बिल्कुल उठा के पटक देंगे। चलिए एक तो डाल गया और क्या करेंगे दूसरे वाले का भी हम डाल देते हैं, ये भी डाल चुका है, ठीक है डाल चुका है। चलिए अब क्या कर देते ये जो है इसको डाल देते हैं, चूँकि काफ़ी आराम से ये आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अब स्प्रिंग का खेल देखिए इस तरीके से हो रहा है, ठीक है अब और क्या करेंगे जो ऊपर वाला स्प्रिंग है इसमें भी हम लगाएंगे, ज़्यादा ग्रीस है थोड़ा सा, ज़्यादा ग्रीस लगाएंगे क्योंकि अगर हम मान लीजिए जो क्लच चैम्बर है उसको लगाते टाइम इधर उधर हो जाएगा फिर अगर जो स्प्रिंग है गिर जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो कि इस तरीके से हमने डाल लिया है जो कि ये है। चलिए ये निकलेगा भी नहीं अभी, ठीक है फ्रेंड्स ये होता है गियर बॉक्स। तो आप क्या होगा हमारा जो मेन चैम्बर है वो अब लगाने के लिए रेडी है। तो एक बार क्या करता हूँ मैं गियर को एक बार घुमा के देख लेता हूँ काफ़ी बढ़िया से वर्किंग कर रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि इसमें मैं जितना हो सके मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये अभी हमारा मतलब गियर में है, ठीक है ये गियर में है अभी। चलिए तो फ्रेंड्स जो गियर बॉक्स है वो तो हमने फिट कर दिया, अब क्या लगाना बाकी है हमको पैकिंग लगाना है। और दुख की बात ये के है जो कि ये जो पैकिंग लाया मैं लोकल है और जेन्युइन हमको मिला नहीं। और एक बात है फ्रेंड्स जो दुख की बात सबसे बड़ा जो कि मैं लेकर आया ये भी नहीं लग रहा है, मतलब कितना गुस्सा वाला बात है। देखिए जो है पल्सर 200 का है और देखिए छोटा पड़ रहा है साला, मुझे तो गुस्सा ही लग रहा है। ये देखिए मैं इस तरीके से लग रहा हूँ छोटा पड़ रहा है और देखिए किस तरीके से है फ्रेंड्स पैकिंग, देखिए फ्रेंड्स फिट भी नहीं हो रहा है, देखिए छोटा पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है फ्रेंड्स, जेन्युइन हमको मिला भी नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स अब जेन्युइन मिला नहीं क्या करें आप बताइए, देखिए अब क्या किया जाता है दौड़ते है। तो गाइस देख सकते हो शाम हो चुका है और हम क्या किया मतलब मार्केट से लेकर आया पैकिंग जो है मतलब काफ़ी ढूंढना पड़ा फिर दोबारा जाके मिला हमको, ठीक है मतलब ओलिंगटन से ले आना पड़ा। तो फ्रेंड्स एक पैकिंग के लिए मुझे ओलिंगटन दोबारा जाना पड़ा, ठीक है तो जैसे कि ये भी एनएस का है और जो पहले दिया था वो भी एनएस का था, ठीक है पर कंपनी अलग है और पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हो गया था मतलब फिट ही नहीं हुआ। तो चलिए जाके फाइनली मिल चुका है, तो क्या कर देंगे हम थोड़ा बहुत ड्रेसिंग बोर्ड लगाएंगे हल्का हल्का लगा के फाइनली चैम्बर को बिठाते हैं, ठीक है चलिए फ्रेंड्स चैम्बर को बिठा लेते हैं बढ़िया आराम से। और जो कि सारा कुछ अभी सही है अंदर में और कुछ भी होने वाला नहीं है, जाके आप लोग मतलब देख सकते हो, ठीक है गियर पिनियम वगैरह जो है यहाँ पर वाशर है एक स्प्रिंग में हमने डाल दिया। चलिए क्या करते हैं क्लच जो चैम्बर है उसको बैठा देते हैं। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हो जो क्रैंक है वो जाम नहीं कर रहा है, काफी बढ़िया से जा रहा है, देख सकते हो खुलने के टाइम जितना जाम लगा था फिलहाल उतना जाम अभी नहीं है क्योंकि ये जो बूस्ट था बूस्ट काफी ज्यादा जाम था। चलिए बिठा लेते हैं। तो गाइस जो चैम्बर है फाइनली बैठ चुका है, ठीक है काफी बढ़िया से बैठ चुका है और इतना मतलब इजी बैठेगा हमने नहीं सोचा था, ठीक है जो कि काफी इजी बैठा है, ठीक है तो हमने ये नहीं सोचा था काफ़ी बढ़िया से बैठ जाएगा जो कि काफ़ी बढ़िया से बैठ भी गया। तो चलिए क्या करते बोल्ट को बिठा देते हैं सभी को, ठीक है बोल्ट को टाइट कर लेते हैं, जैसे कि देख सकते हो काफ़ी बढ़िया से बैठ चुका है, अब हमको क्या करना है टाइट करना है। चलिए बढ़िया से हम इसको चैम्बर को टाइट कर लेते हैं फाइनली, उसके बाद में दिखाता हूँ। तो गाइस चलिए क्या करते जो मेन चैम्बर हमारा तो फिट हो गया और बोल्ट भी जितना था कस दिया हमने, ठीक है और अंदर में चार होता है 1 2 3
और यहाँ पर चार होता है, उसको भी प्रॉपर तरीके से कस दिया, ठीक है। तो चलिए हम क्लच साइड बाद में फिट करेंगे, पहले क्या करते हैं मैग्नेट साइड फिट कर लेते हैं, और टाइमिंग आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, ये जो स्पॉकेट है, एक ये स्पॉकेट है, ठीक है, और एक बैलेंसर का स्पॉकेट है, ठीक है। दोनों स्पॉकेट इस तरीके से है, मतलब सेम सेम है, पर ये जो है अंदर का हिस्सा वो काफ़ी बड़ा छोटा है, जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये अंदर की साइड है, और किस तरीके से आएगा, तो ये जो उठा हुआ है ज़्यादा, ये जो ज़्यादा उठा हुआ है और ये थोड़ा सा कम उठा हुआ है, क्या होगा, ये अंदर की साइड में आएगा, ठीक है। देख सकते हो जो कि काफ़ी बढ़िया से वर्क कर रहा है हमारा। अगर हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, उल्टा लगाएंगे तो वर्क ही नहीं करेगा, जैसे कि टच हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, टच हो रहा है। तो चलिए इसको क्या करते लगाते, और लगाने से पहले क्या करना होगा, यहाँ पर कटर होता है, दो कटर होता है, ठीक है, यहाँ पर दो कटर होता है, जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड्स, एक ये एक ये, दो कटर है इस पर, ठीक है, समझ लग रहा है फ्रेंड्स। और तो चलिए क्या करते हैं, पहले एक कटर को लगा लेते हैं, उसके बाद दूसरा कटर मैग्नेट पे आएगा, इस पर कटर आएगा आएगा। तो जब हम कटर लगाएंगे, दूसरा गाड़ी में क्या होता है फ्रेंड्स, अपना नॉर्मल गाड़ी में जो कि ये जो कटर है, ये जो कटर है क्या होता है, ये ऊपर की साइड जब होता है तो उस टाइम टॉप होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जब ऊपर को होता है टॉप होता है, पर इसमें क्या है फ्रेंड्स, जब नीचे को साइड होगा तब ये टॉप में है, जैसे कि देख सकते हो अभी नीचे को चल गया और हमारा क्रैंक जो है ऊपर की साइड आ गया। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हो, ये जो पिनियन है ये हमने लगा दिया, ठीक है, अभी टाइमिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, बैलेंसर का कोई भी टाइमिंग नहीं हुआ अभी। तो टाइमिंग करने से पहले क्या करना होगा, जो हमारा अपना जो क्रैंक पोजिशन सेंसर वगैरह है, न्यूट्रल का जो स्विच है, इसको लगाना होगा। चलिए क्या करते हैं, इसको लगा लेते हैं, ठीक है, वरना इसको अगर लगा देंगे बाद में क्या होगा, ये हम नहीं लगा पाएंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लगाना होगा, चलिए इसको लगा लेते हैं पहले, और इस तरीके से होना है, पहले इसको लगाना होगा तभी अपना जो टाइमिंग मतलब सेट है बढ़िया से हो पाएगा, ठीक है। चलिए इसको लगा लेते हैं पहले, इस तरीके से होगा, और यहाँ का बाकी है काफ़ी कुछ, चलिए इसको लगा लेते हैं पहले। तो गाइस देख सकते हो क्या किया, जो क्रैंक पोजीशन सेंसर न्यूट्रल स्विच जो है उसको लगाया, और जो स्क्रू है ये देख सकते हो, ये दोनों स्क्रू इस जगह पे और इस जगह पे, ये दोनों स्क्रू पाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक लॉक होता है, ठीक है, ये जो पत्ती देख रखा है, पत्ती को भी फॉलो करना चाहिए, नहीं तो पत्तियाँ फूल जाएगी कहीं, तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना इसको भी बारे में बता दूँ, ठीक है। और ये पत्ती को लॉक करता है वायरिंग को, ठीक है, अगर ये बाद में लगाएंगे फिर फिट नहीं होगा, दोबारा खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हमने इसको लगाया और अब टाइट कर लेते हैं, टाइट करने के बाद जो टाइमिंग है ना फ्रेंड्स बैलेंसर का, वो हम बताने वाले हैं, चलिए पहले इसको टाइट कर लेते हैं बढ़िया से। अब चलिए बैलेंसर का टाइमिंग मैं बता दूं और मैं भी फिट कर लूं इसको, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो है निशान एक दे रखा है, देख सकते हो फ्रेंड्स, इस जगह पर कर लेता हूँ, ये देखिए व्हाइट सा मार्क दे रखा है, ठीक है। अब ये जो स्पॉकेट है इसमें भी है, तो फ्रेंड्स ये जो लगाना है हमको, ये जो उठा हुआ हिस्सा है इसको हमको अंदर की साइड करना है, और जो प्लेन सा हिस्सा है फ्लैट सा हमको बाहर की तरफ करना है, जो कि निशान जो है ये है फ्रेंड्स, देख सकते हो, मैं अंदर बढ़िया से दिखा दूँ, ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है, ठीक है। चलिए फिट कर लेते इसको, इसको मतलब आमने सामने करना है, अभी कोई भी टाइमिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ हमारा क्रैंक घूम रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस जगह पर ले आएंगे, ये जो है इस जगह पे ले आएंगे। चलिए आप क्या करेंगे, ये जो निशान है इसको देख लेते हैं, हम सिर्फ डालेंगे इसको इस तरीके से डालेंगे, जो कि डाल गया, देख सकते हो ये डाल गया हमारा, ठीक है, काफी बढ़िया से ये डाल चुका है, ये देख लीजिए फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया से डाल चुका है। आप क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे हम, इसको घुमा के ये देखिए ये घुमा दिया। आप क्या करना है, इसको जो पिन है यहाँ पर, यहाँ का जो पिन है, पिन को हमको डाल देना है, तो क्या होगा टाइमिंग हमारा बन जाएगा। चलिए देख लिया फ्रेंड्स, सिंपल से टाइमिंग है, पर घबराने की कोई भी बात नहीं है इस पर, देख सकते हो फ्रेंड्स। चलिए मैं जो लॉक है लॉक कर लेता हूँ इसको, बिल्कुल आराम से इसको इस तरीके से घुमा के, क्योंकि ये डल चुका है, ठीक है, टाइमिंग हमारा बन चुका है। अभी क्या हुआ, क्रैंक हमारा घूम रहा है, काफ़ी बढ़िया से क्रैंक हमारा घूम रहा है, और जो टाइमिंग है टाइमिंग भी बढ़िया से हो चुका है।
आपस में टच नहीं हो रहा, देख सकते हो। मैं इधर से अंदर से आप लोगों को एक बार दिखा दूँ नज़ारा किस तरीके से होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, दोनों में मतलब टच नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा आपस में। नहीं तो अगर टाइमिंग ठीक से नहीं होगा तो टच होगा। तो फ्रेंड्स ये आप क्या करना है, इसको कसना है, ठीक है, इसको भी कसना है और इसको भी कसना है। तो चलिए पहले जो ये है इसको कस लेते हैं। तो ये देख सकते हो जो वॉशर है, ये वॉशर और ये नट। और फ्रेंड्स इसको हमने ठोक के खोला था क्योंकि इसका भी मतलब टूल्स नहीं है हमारे पास। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम डालेंगे इसको, एक तरह के उठा हुआ और एक तरह बैठा हुआ, देख सकते हो फ्रेंड्स ये कस जा रहा है। चलिए इसको कस देंगे, आप इसको भी कसना है, ठीक है, इसको भी कसना है। चलिए इसको मैं कसना देख लेता हूँ। जो बोल्ट है ये बोल्ट होगा इस पर, ठीक है, जो पल्सर 135 या तो पल्सर 180 का जो बोल्ट होता है उस तरीके से सेम है, जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड्स ये है। और ये जो है ये किस तरीके से आएगा, इस तरीके से हमको लगाना है। और ये जो अंदर की साइड है इसको अंदर की साइड ही रखना है, इस तरीके से होना है। चलिए इसको मैं डाल देता हूँ, देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से कस देना है हमको। चलिए इसको कसना है और इसको भी कसना है हमको। चलिए इसको तो ठोक के कसना होगा, पर हम क्या करें, दुख की बात यही है, ठोक के कसना पड़ेगा। तो मेरे को भी थोड़ा सा बुरा लगता है, पर क्या करें, टूल्स नहीं है, क्या करें। तो गाइस ये हमने ठोक के कस दिया, अब ये जो है इसको हम कसेंगे एलंकी से, पर अभी नहीं, क्या करेंगे, मैग्नेट पकड़ के कसेंगे इसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने मैग्नेट को टाइट भी कर लिया बढ़िया से, मैग्नेट कवर बस नहीं लगाया, ठीक है, जो कि मैं बाद में लगाने वाला हूँ, उसको वॉशिंग नहीं किया। तो अब क्या करते हैं, क्लच साइड में आ गया, क्लच साइड लगाने से पहले जो ये है ऑयल पम्प वाला, ऑयल पम्प नहीं मतलब जो कूलेंट पम्प जो होता है, ठीक है, रेडिएटर का पम्प, वो हम लगाने वाले हैं। चलिए देखते हैं उसको किस तरीके से लगाया जाता है। और ये जो है पिनियन हमको नया मिला था ऑयल सील के किट में, ठीक है, तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो इसको लगाने के लिए क्या करना होगा, एक साइड में जैसे कि देख सकते हो उसमें फ्लट सा है, नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, एक साइड में फ्लट सा है और एक साइड में मतलब सिंपल सा है, ठीक है, जिस तरीके से पेट्रोल टैप में होता है ग्लैमर का, उस तरीके से। चलिए इसको लगा लेते हैं, एक साइड में हम डाल देंगे उसको, जो कि इस साइड में डाल देता हूँ, बिल्कुल आराम से ये आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि आ गया, ये देख सकते हो अभी घूम रहा है। एक ये वॉशर आएगा जो कि ये आ गया इस जगह पे, देख सकते हो फ्रेंड्स मोटा वाला एक वॉशर आएगा। अब एक 10mm की बोल्ट आएगा, चलिए इसको मैं कस लेता हूँ, बिल्कुल आराम से इसको कस लेंगे फ्रेंड्स। चलिए ये कम हो गया हमारा, इस तरीके से देख पा रहे हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स चलिए हम क्या करते हैं, अब क्लच में आते हैं, क्योंकि ये भी फिट हो गया, अपना मैग्नेट साइड भी फिट हो गया, अब क्लच साइड फिट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लगाएंगे गियर चेंज करने वाला जो है, और गियर चेंज करने वाला जो है वो किस तरीके से होता है फ्रेंड्स, जिस तरीके से अपना पल्सर गाड़ी में होता है 180 220, ठीक है, उस तरीके से ही है। चलिए ये जो पिन है, इस पिन को हम इस जगह पर डाल लेते हैं, जो कि ये हमने डाल दिया फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे, ये जो है इसको डालेंगे, जो कि ये तो साथ में ही आएगा, ठीक है, सिंपल सा ही है, मतलब 180 की जैसा 220 मान लीजिए उसी तरीके से गियर सिस्टम। चलिए इसको मैं अब इस तरीके से कस लिया, चलिए ये जो है देख पा रहे हो गियर अभी बढ़िया से वर्क कर रहा है, जो कि टॉप गियर हो गया। चलिए न्यूट्रल कर लेते हैं अभी, जो कि ये न्यूट्रल हो चुका है, ठीक है, ये न्यूट्रल हो चुका है। चलिए इसको कस लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो 5mm की एलंकी है इससे हम कस लेंगे। तो फ्रेंड्स जो ये है अपने टाइट कर दिया काफ़ी बढ़िया से, अब जो गियर को लॉक करता है उसको लगाना है, जो कि ये है, ठीक है। एक क्या होगा, अंदर में एक वॉशर है, जो कि हर गाड़ी में होता है, एक वॉशर है और इस तरीके से एक वॉशर है। चलिए बूस्ट वाला 5mm की बोल्ट है, इसको कुछ इस तरीके से हम रख लेते हैं, जो कि सिंपल सा ही है। चलिए इसको मैं कस लेता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। तो गाइस जो ये है लॉक करने वाला गियर को, वो हमने काफ़ी बढ़िया से कस दिया है, ठीक है, लॉक भी हो रहा है काफ़ी बढ़िया से। तो चलिए आप क्या करते हैं, गियर सैफ को लगा लेते हैं, जो कि ये है गियर सैफ,
ठीक है। गैस सब में एक वाशर होता है फ्रेंड्स, ठीक है, एक वाशर होता है गैस सब में, और ये एक स्प्रिंग होता है ऊपर नीचे को मतलब काम करता है, बस ये खुला होता है, किसी पे लॉक नहीं होता, ठीक है। जैसे कि ये है देख सकते हो फ्रेंड्स, जो कि ये है, ठीक है, और एक वाशर होता है। चलिए इसको मैं लगा देता हूँ बिल्कुल आराम से, ये आ जाएगा। थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेते हैं क्योंकि ऑयल सील हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कस्टमर का ज़्यादा डिमांड नहीं है। चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ आराम से। ये जो है स्प्रिंग इधर आएगा और ये लॉक करेगा उस साइड में। चलिए इसको दबाना होगा, ठीक है, जो कि ये स्प्रिंग है इस जगह पे आएगा और इसको यहाँ पे दबाना होगा। देख सकते हो फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया से आ जाएगा, फ्रेंड्स आ गया। चलिए देख सकते हो फ्रेंड्स, और ये यहाँ पर लॉक हो चुका है। तो चलिए क्लच को फिट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो मोटे वाला एक वाटसल देख सकते हो, बूस्ट कहा जाता है इसको, वाटसल नहीं कह सकते हम, काफ़ी मोटा है। तो ये सीधा हम इस जगह पे डाल देंगे, ठीक है, सीधा हम इस जगह पे डाल देंगे और यहाँ पर कटर आएगा एक। चलिए कटर को डाल लेते हैं, और कटर डालने के बाद ये जो GVD पिनियन है इसको डालना होगा, ठीक है, GVD पिनियन जो है इसको डालना होगा। जो के मतलब क्या होता है, हमारा जो पल्सर 180 का होता है, जैसे कि ये जो मार्क बना हुआ है फ्रेंड्स, मैं दिखा दूँ थोड़ी बढ़िया से, ये जो मार्क बना हुआ और ये जो कार्ड लगा हुआ, ये मतलब सामने सामने ही होता है पर इसका सीधा सीधा है उल्टा, इस तरीके से होना चाहिए। जो ये मार्क है ये टॉप का निशान है, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो जो चेंबर में है ये जो है फ्रेंड्स, ये टॉप है। चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ, पहले काफ़ी ध्यान से काम करना चाहिए, अगर कुछ भी अंदर से में गिर गया तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। चलिए इसको मैं डाल लेता हूँ अभी आराम से, इसको डाल लेंगे, ये जो कि ये डाल चुका है, ठीक है। चलिए ये डाल चुका है, जैसे कि GVD पे नियम हमने लगा दिया। अब क्या लगाना है, जो टाइमिंग जेन का स्पॉकेट है इसको लगाना है, ठीक है, और कटर जो है एक ही में कटर फिट होगा, ठीक है, एक ही कटर में ये आ जाएगा, जो कि ये आ गया देख सकते हो, और इसमें वाटसल आएगा और एक मतलब ये आएगा, ठीक है, इसमें सीधा चूड़ी होता है और इसमें उल्टा चूड़ी होता है। चलिए ये जो छोटा वाला वाटसल है इसको कस देते हैं इस जगह पे और एक लगा देते हैं हम इस जगह पे। तो फ्रेंड्स इसको हम बाद में कसेंगे, तो क्या करेंगे, चेन पैड लगा लेते हैं और यहाँ पर एक लॉक होता है, इस लॉक को भी लगा लेते हैं, ठीक है, इसको बाद में कसेंगे। कैसे कसेंगे, जो हाउसिंग है, हाउसिंग लगाने के बाद हम एक अपने पास टूल है, उस टूल की मदद से इसको कसेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, जो टाइमिंग पैड है इसी को लगा देते हैं, पुराना वाला जो टाइमिंग पैड है इसी को लगाएंगे हम। चलिए, और ये है इसका बोल्ट, बूस्ट वाला बोल्ट जो होता है, जो कि ये है, चलिए देख सकते हो, कोई भी प्ले नहीं है और इसमें कोई भी वाटसल वगैरह कुछ भी नहीं होता है। इसको मैं कस लेता हूँ 5mm की लंकी से। तो फ्रेंड्स जो लॉक है, लॉक भी कर दिया, ये जो टाइमिंग चेन पैड है उसको भी लगा दिया, इसको कसना बाकी है, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो अब क्या करते हैं, जो हाउसिंग है, हाउसिंग लगाने से पहले ये जो बूश है, बूश लगाएंगे, यहाँ पर बूश होता है, जब हमने खोला था ये बूश थोड़ा सा जाम था, ठीक है, इसी तरीके से आसानी से बाहर नहीं आया, तो थोड़ा सा हमको मतलब तामझाम करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, हाउसिंग अभी लगा देते हैं। और फ्रेंड्स एक बात मैं बता दूँ, इसका कोई भी टाइमिंग नहीं होता, हाउसिंग का कोई भी टाइमिंग नहीं होता इसमें, ठीक है। चलिए और ये लगा देते हैं, और जो ये है क्या बोलते हैं, टाइमिंग जेन हम ऊपर से भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स लगा देते हैं, क्योंकि ये लग चुका है, ठीक है। तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया से लग गया ये, इसका कोई हाउसिंग का टाइमिंग नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि मैं इस तरीके से देख के मिल रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, ये अपना भी मतलब हो जाता है, जैसे कि देख सकते हो अभी सब कुछ वर्क करने लग गया, ऑयल पैन, यम क्रैंक, जो कि ये वाला जो है रेडिएटर का पंप, ठीक है, सारा कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है, अभी देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए अब क्या करते हैं, क्लच को फिट कर लेते हैं, क्लच प्लेट को। तो क्लच प्लेट फिट करने से पहले ये एक पार्सल इस जगह पे होगा, जो कि ये इस जगह पे एक पार्सल होगा फ्रेंड्स। चलिए अब क्या होगा, ये जो
अंदर की साइड में है, इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है, इसके अंदर में चल जाएगा। एक बार चल इस जगह पे होगा फ्रेंड्स। चलिए क्लच फिल्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं अभी। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, क्लच हमने पूरा इंस्टॉल कर दिया, बस टाइमिंग चेन को लगाना है, ठीक है, उस साइड से भी सब कुछ हो गया, बस पेनियम वगैरह लगा करना है, जो दो पेनियम है। तो चलिए आप क्या करते हैं, हेड सिलेंडर बिठा देते हैं। तो करते हैं हेड सिलेंडर में, ज़्यादा कुछ हम डिटेल में नहीं बात करेंगे, ठीक है, बस टाइमिंग दिखाएंगे, थोड़ा बहुत दिखाएंगे और जितना हो सके बताएंगे। और फ्रेंड्स एक बात जो है, जो कि ये होल देख सकते हो, इस होल में आपको ज़रूर एयर मार के देख लेना है, क्योंकि इस पर ऑयल सप्लाई होता है, ठीक है, जो कि हमने देख लिया था ऑयल सप्लाई होता है, नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स, पल्सर के जैसा, जो कि ये अगर इस पर ब्लॉक हो गया कुछ भी तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना आपको। तो चलिए क्या करते हैं, ऑयल मतलब पिस्टन को लगवा लेते हैं, पिस्टन जो कि देख सकते हो 25 नंबर का है पिस्टन। चलिए फ्रेंड्स, और हमने हेड भी फिट करके रख दिया अभी, चलिए क्या करते हैं हेड सिलेंडर को फिट कर लेते हैं, और जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और टाइमिंग चेन हम ऊपर से भी लगा सकते हैं अभी। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो पिस्टन हमने इंस्टॉल कर दिया, और पिस्टन जो के है ये इस तरीके से रखा हुआ, ये जो है एग्जॉस्ट वाला सेंसर के साइड इस तरीके से होता है, ठीक है। तो चलिए क्या किया, जो पैकिंग है, पैकिंग में हमने थोड़ा सा ग्रीस लगाया, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है, और कुछ भी नहीं लगाया, जो कि दोनों की साइड हमने पिस्टन को लॉक कर दिया। चलिए बढ़िया से ऑयलिंग करके सिलेंडर को बिठा देते हैं फाइनली। और फ्रेंड्स ये जो देख सकते हो ये है क्या काम करता है फ्रेंड्स, ऑयल फेंकता है, ठीक है, सिलेंडर में मतलब ऑयल फेंकता है, ये काफ़ी तेज़ी से ऑयल फेंकता है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो जो टाइमिंग चेन पैड है वो हमने खोल दिया, ठीक है, और भी आसान हो जाए बिठाने में, क्योंकि मैं अकेला हूँ। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने सिलेंडर तो बिठाया और टाइमिंग भी मतलब टॉप पे है, ठीक है, और फ्रेंड्स जब मैं इस तरीके से दबा के हाथ से मैग्नेट को घुमा के पिस्टन को टॉप में कर रहा था, मतलब इस तरीके से दबा के रखा, तो मतलब इसका जो कंप्रेसर है ना काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब हाथ से हाथ मेरे को ऊपर की तरफ धकेल दे रहा है, ठीक है, मैंने इस तरीके से दबा के रखा था, सिर्फ इस तरीके से, मतलब कितना ज़्यादा कंप्रेसर सोचिए आप लोग, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसर है इसका, मतलब इतना कंप्रेसर मैंने नहीं सोचा था, मतलब इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन सुनकर आप लोगों को कैसा लगा बताइए। चलिए क्या करते हैं, सिलेंडर को तो बिठा दिया, हेड को भी बिठा देते हैं, और इसका साफ़ सुथरा करना काफ़ी ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो हेड का जो पैकिंग है, पैकिंग में देख सकते हो हमने क्या किया, रिसीवमेंट लगाया हल्का सा, ठीक है, और ये जो सड़क है इस सड़क को हमने दोबारा मतलब होल कर दिया, ठीक है, ये होल होना चाहिए, और हमने हल्का सा लगाया। अगर ये जेन्युइन होता पैकिंग किट तो मैं नहीं लगाता इस पर, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगाता, तो ये जेन्युइन नहीं है, इस वजह से मैंने इसको पैकिंग में थोड़ा सा रिसीवमेंट लगा दिया, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, हेड को लगा लेते हैं, और इसमें हल्का सा लगाया, और जिस तरीके से मतलब है हल्का हल्का, इस जगह से मतलब हमने थोड़ा सा पोंछ दिया, ठीक है, हल्का हल्का, और ये होल ज़रूरी है क्लीन रखना, ठीक है, जैसे कि मैंने रखा है। चलिए क्या करते हैं, सिलेंडर मतलब हेड को बिठा देते हैं फाइनली। इससे हमने क्या किया, जो सिलेंडर है उसको तो बिठा दिया और टाइट भी कर लिया, ठीक है, और जैसे कि देख सकते हो कैम को भी लॉक करना पड़ा, यहाँ से लॉक होता है फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हो लॉक होता है, और यहाँ पर एक बूश होना चाहिए। चलिए बूश को मैं डाल देता हूँ, उसके बाद टाइमिंग वैसे तो टॉप में है, जैसे कि देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टॉप में है हमारा, ठीक है, और ये बूश को हमको डालना होगा। चलिए इस बूश को हम डाल लेते हैं पहले, ये जो बूश है फ्रेंड्स, ठीक है, ये बूश को हम डाल लेंगे, और एक जो बूश है ये होता है पॉकेट की साइड, चेन पॉकेट की साइड होता है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। चलिए इस बूश को डाल लेते हैं हम। तो गाइस जो टाइमिंग है देख सकते हो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इसके फेस के बराबर, और टी यहाँ पर होना चाहिए, और ये जो खांचा है खांचा पे हमने डाल दिया, और यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल बराबर है अभी भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बोल्ट कस देते हैं इसका, और ये है इसका बोल्ट, ठीक है, जो कि जो वार्सल होता है, वार्सल इसका साथ में मतलब होता है, ठीक है, कम्प्लीट होता है। तो चलिए इसको कस लेता हूँ फाइनली, कस के मैं रख देता हूँ फिलहाल, बाकी बाद में देखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस देख सकते हो जो पेनियन है, पेनियन को हमने लगा दिया कुछ इस तरीके से, अब क्या आएगा, ये जो पेनियन है इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, और ये देख सकते हो बस ये आ गया, अब क्या होगा दोनों घूमेगा। और फ्रेंड्स हमको मैग्नेट मतलब थोड़ा सा लूज करके बाहर की तरफ करना पड़ा, क्योंकि ये जो पेनियन है ये अंदर से होने वाला, जैसे कि देख सकते हो, ठीक है, तो ये मेरा था मतलब दोबारा खोलना पड़ा, मुश्किल हो गया थोड़ा सा, ठीक है, पर कोई नहीं, दोबारा हम लगा देते हैं, फाइनली ये हो चुका है, ठीक है, देख सकते हो फ्रेंड्स वर्क कर रहा है बढ़िया से। अब मैग्नेट की साइड भी काफ़ी सारा पेनियन है इसका।
तो गाइस हमने क्या किया, जो इंजन है पूरी तरीके से रेडी कर दिया हमने, इंजन ऑयल भी डाल दिया और जो कूलेंट होता है रेडिएटर में वो कूलेंट भी डाल दिया, जैसे कि देख सकते हो नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। और हमने टैंक भी लगाया। चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते एक बार, देखते स्टार्ट बाकी में होता है या नहीं। जैसे कि चाबी ऑन है, किल स्विच ऑन कर लेते हैं और मोटर का फुल पंप रेडी हो गया, ठीक है गाड़ी स्टार्ट होने के लिए। तो फाइनली देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होता है या नहीं। और काफ़ी मुश्किल से हमने मतलब इंजन खोला था, मुश्किल से मतलब क्या, ये इंजन तो क्या प्रॉब्लम था आप लोगों ने देख ही लिया पुराना वाला वीडियो। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने दिल को सुकून मिलता है या नहीं, ठीक है। तो काफ़ी टेंशन में भी हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं बिना बात किए। मज़ा आ गया फ्रेंड्स, मज़ा आ गया। तो देखिए फाइनली स्टार्ट हो चुका है इंजन जो है, और क्लच भी बढ़िया से काम कर रहा है। आरपीएम थोड़ा सा हाई है, ठीक है, आरपीएम थोड़ा सा हाई है। और जो इंजन का साउंड है वो भी मैं सुनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब सुकून मिल गया दिल को। चलिए बात कर लेते हैं कुछ, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि जो फिल्टर है वो खोला हुआ है, ठीक है, फिल्टर खोला हुआ है और सेंसर का थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है। और फाइनली हम क्या करेंगे, पूरा असेंबल कर देंगे बॉडी वगैरह को, सब कुछ असेंबल करने के बाद मैं फाइनली आवाज़ सुनाऊंगा इंजन का, जो कि इंस्टाग्राम में, ठीक है। अपना इंस्टाग्राम चैनल भी है, या तो डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लेना, या तो अबाउट में जाके, डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, अबाउट में जाके चेक कर लेना, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम चैनल को, मतलब जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको। और क्या है फ्रेंड्स, इसका साउंड, इंजन का जो साउंड है उसी पे आ जाएगा, देख लेना बहुत ही आराम से। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और अपने दिल को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कितना खर्चा आता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है फ्रेंड्स। और कस्टमर ने मतलब एक भी पैसा एडवांस नहीं किया मेरे को, ठीक है, ये मेरे को दुख की बात लगा, ठीक है, एक भी पैसा एडवांस नहीं किया, फिर भी मैं कर लिया। मतलब ये जो प्रॉब्लम था, शायद आप लोगों को भी पता चल गया जो प्रॉब्लम है कि इस जगह से प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जो क्रैंक का जो प्रॉब्लम था इसी जगह से था, और कितना मुश्किल में हुआ मुझे ये गाड़ी स्टार्ट करने में। तो फाइनली जाके स्टार्ट हुआ फुल इंजन करने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में नया टॉपिक के साथ, और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स नया टॉपिक के साथ। और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं करते हो यार, सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो, मुझे सब्सक्राइब करो, देखते हो चैनल को पर सब्सक्राइब नहीं करते, चलिए सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।